हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एनसीएल में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, कि आपको बता दें, जो भी बच्चे एनसीएल में नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी बहुत खुशखबरी जो है जल्द आपको मिलने वाली है। वैकेंसी आपको जून जुलाई में जरूर है, निश्चित तौर पर जो है देखने को मिल सकती है। ये सूचना दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एनसीएल की जो भी परियोजनाएं चल रही है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है वर्कर की कमी हो रही है, और साथ ही साथ जो आपको हम एक ट्वीट भी दिखा रहे हैं, और जो है उनकी योजनाओं में भी ये वर्णन किया गया है कि 2021-22 में, है ना, 2021-22 में आपको एनसीएल में 1200 प्लस वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पैरामेडिकल, टेक्नीशियन, एचईएमओ ऑपरेटर, साथ ही साथ और एडमिन, सभी पोस्टों की कुछ न कुछ मात्रा में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हम आपको एक ट्वीट आपको दिखा देते हैं, जो कि एनसीएल के खनिक अभिनंदन दिवस 2021 पर एनसीएल के अध्यक्ष निदेशक श्री पी सिन्हा के द्वारा जारी किया गया था, है ना दोस्तों। इसमें हम आपको दिखा दे, देखिए, एनसीएल की भावी योजनाएं, है ना। देखिए, इसमें देखिए साफ साफ कहा गया है दोस्तों, वित्त वर्ष 2021, है ना, इसमें ये इतना देखिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 में ही पैरामेडिकल सहित विभिन्न संवर्गों के 1200 से अधिक पदों हेतु भर्ती की योजनाएं हैं। देखिए, ये एनसीएल के प्रकाशन जो प्रकाशित होता है, ठीक है, उसमें ये योजनाएं की जानकारी दी गई है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि भर्ती होना जरूर होगा, और ये आपको इसी महीने जून या फिर जुलाई में आपको देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगी। जैसे ही ये आपकी जो ज्वाइनिंग बची हुई है, ज्वाइनिंग करा के उसके या फिर उसके बीच में ही आपको भर्ती की सूचना दी जा सकती है। दोस्तों, हम आपको ये नोटिस दिखा देते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है, वित्त वर्ष 2023-24 में एनसीएल कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया को दिए गए 1 बिलियन टन उत्पादन के लक्ष्य में लगभग 130 मिलियन की सहभागिता देगी। जयंत दुधीचुआ एवं ब्लॉक बी क्षेत्र में नए सीएचपी की स्थापना की योजना है। जयंत दुधीचुआ परियोजना के साथ बीना और ककरी परियोजना के सीमा में फंसे कोयले की निकासी भी की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 तक लगभग 7000 करोड़ पूंजीगत व्यय किया जाएगा, जिसका मुख्य भाग भूमि, भारी मशीनों और सीएचपी निर्माण पर व्यय किया जाएगा। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2021-22 में पैरामेडिकल सहित विभिन्न संवर्गों में 1200 से अधिक भर्ती की योजना भी है। दोस्तों, ये एनसीएल के, ये देखिए, नोटिस तो हमें ये पहले मिल गए थे, लेकिन इसमें जो है क्लियरिटी नहीं थी, तो देखिए इसमें प्रकाशन की जो पत्रिका भी है उसमें भी ये प्रकाशित किया गया एनसीएल के अध्यक्ष और अध्यक्षता की तरफ से। इसमें यह आपको कहा गया है कि जो है 2021-2022 में देखिए इनके बहुत ज्यादा जो प्रोजेक्ट है इस समय दोस्तों टाइम से नहीं पूरे हो पा रहे हैं, और साथ ही साथ इनके नए प्रोजेक्ट को भी चालू करना है ना, कोविड के कारण और बहुत ज्यादा लेट हुआ है, और कई बहुत इनको हानि भी हुई है जनधन की, ठीक है, कर्मियों की। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बताया थे, काफी जनधन की हानि हुई है बहुत, लेकिन ये बहुत तेजी से सही हुआ है, इसकी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अगर ये कोविड नहीं होता तो वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिल जाती। देखिए, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना है, पढ़ाई आपको अपनी जारी रखनी है ना। देखिए, पढ़ाई आपको जारी रखनी है, पेपर हो सकता है इस बार की जो है पिछले की अपेक्षा अधिक कड़ाई व निष्पक्षता से लिया जाए, पारदर्शी तरीके से, ये ज्यादा संभव है। इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई, जो भी बच्चे मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं, अपने जरूर जरूर पढ़ाई करते रहे, आपको वैकेंसियां जल्द ही जल्द एनसीएल में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही बचे हुए पोस्टों की ज्वाइनिंग हो जाती है, या तो ज्वाइनिंग के पहले ही जो नोटिफिकेशन आ सकता है ज्वाइनिंग के साथ साथ ही, नहीं तो थोड़ा अगर और लेट होता है तो आपको जो कि जैसे ही ज्वाइनिंग होती है कुछ ही टाइम के पश्चात आपको जो है नोटिफिकेशन एक तरफ से, देखिए पैरामेडिकल से ये शुरू होगा, हो सकता है, तो जब वैकेंसियां आने लगेंगी तो कुछ पोस्ट की कुछ कुछ टाइम पे
जो है आपकी वैकेंसियां स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा इंतजार दोस्तों आप लोग को और करना है, जल्द ही आपको एनसीएल में एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको एनसीएल की हर छोटी बड़ी अपडेट जो है सबसे पहले दी जाती है। धन्यवाद।